क्या आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर खरीदने के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया और बैंक ने आपके कागजों को देखने के बाद आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपका लोन रिजेक्ट कर दिया? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर की। ये शब्द आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। क्या होता है क्रेडिट स्कोर और कैसे ये लोन की इंटरेस्ट रेट को कम करने में आपकी सहायता कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। क्रेडिट स्कोर किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में बताता है। क्रेडिट स्कोर में पिछले सभी लोन के रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य वित्तीय लेन देनों का ब्यौरा शामिल होता है। घर खरीदने के लिए अगर आप सस्ते लोन की तलाश कर रहे हैं तो क्रेडिट लोन से जुड़े इन पहलुओं को समझ लें। लोन देने वाले बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने क्रेडिट स्कोर को कई लेवल्स में बांटा है। ये लेवल्स अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। जब कोई शख्स अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास पहुंचता है तो ऐसे में कर्ज देने से पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उस शख्स के क्रेडिट स्कोर के अलावा उसकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एज और बाकी चीजों को चेक करता है। होम लोन के ब्याज दर से क्रेडिट स्कोर का सीधा कनेक्शन है। बेहतर क्रेडिट स्कोर होने पर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से सस्ते लोन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्तियों के लिए कर्ज देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सबसे अनुकूल इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। वहीं खराब क्रेडिट स्कोर होने की स्थिति में लोगों को अधिक इंटरेस्ट रेट पर कर्ज जारी होते हैं या उनके लोन एप्लीकेशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। होम लोन पर ब्याज दर सीधे सीधे मंथली किश्त यानी EMI को प्रभावित करती है। कम ब्याज दर वाले लोन की मंथली किस्त कम होती है और ऐसे में उधार लेने वाले शख्स को लोन रीपेमेंट के साथ साथ मंथली खर्चों को मैनेज करने में आसानी होती है। क्रेडिट स्कोर अधिकतम लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर किसी शख्स को मैक्सिमम लोन अमाउंट लेने की अनुमति दे सकता है जिसकी जरूरतों को पूरा करने में फंड की कमी की संभावना घट जाती है। अगर आप किसी और को बोरोअर के साथ मिलकर होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सभी आवेदकों के क्रेडिट स्कोर पर विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में को बोरोअर के बीच सबसे कम क्रेडिट स्कोर प्रस्तावित ब्याज दर को प्रभावित कर सकता है। तो ये थी क्रेडिट स्कोर से जुड़ी हुई वो जानकारी जो आपको आपके सपनों का घर दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अपना क्रेडिट स्कोर ठीक रखने के लिए आप किन बातों का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें जो अपने नए घर के लिए बैंकों का रुख कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।